जम्मू काश्मीर चली ऑल आउट ऑपरेशन जणे परे जणे आतंकवादी को खोजी खोजी मारुछंती सुरक्षाकर्मी। एही क्रम रे मंगलवार दिन पुलिस एनकाउंटर रे दुई जण आतंकवादी निहत होइछंती। मिलिथिबा सूचना मुताबक काश्मीर रो बारमुला जिला सोपर रे सोमवार राति 2 टारु एही एनकाउंटर आरंभ होइथिला। एही एनकाउंटर रे स्थानीय पुलिस और सुरक्षाकर्मी सामिल रहिथिले। जणे पुलिस अधिकारी सूचना मुताबक आतंकवादी माने लुचि रहिथिबार सूचना पाइबा परे सोमवार मध्यराती रे सोपरे रो पेटमीर को सुरक्षाकर्मी माने घेरी जाई सर्च ऑपरेशन आरंभ करथिले। मंगलवार दिन सकाळे आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी मध्ये गुळी विनिमय होइतला। एथिरे दुई जण आतंकवादी निहत होइछंती। निहत आतंकवादी मानकर परिचय मिलि पारि नाही। जळेश्वर पुणे ब्राउन सुगर जबत। राजपुर बस्ती उपरे पुलिस चढ़ाव बेले विपुल परिमाण ब्राउन सुगर जबत कराइछि। एथि सहित जणे महिला को अटक रखाइछि। अटक महिला जणक हेले सेक्स सर्फिंग का स्त्री जयगुण बीबी। बालेश्वर जिला जळेश्वर पुलिस गतकाल रात्रि कोण सूत्र खबर पाई जळेश्वर राजपुर बस्ती सेक्स सर्फिंग का घर उपरे चढ़ाव करथिले। तेबे चढ़ाव बेले पाखापाखि 500 ग्राम वृद्ध ब्राउन सुगर जबत करने सहित ब्राउन सुगर पैकिंग व्यवहृत होता रंगीन कागज जबत करने सहित सेक्स सर्फिंग का स्त्री जयगुण बीबी को अटक रखी जळेश्वर पुलिस। जबत ब्राउन सुगर मूल्य 50 लाख टंकार ऊर्ध है अनुमानी कराई। ढेंकानाल जिला वकिल संघ पुलिस बिवाद एवं तेजबारे लगी। 14 दिनिया कार्य बंद पर कौनसी समाधान न बाहर वकिल संघर एक बैठक बसि आंदोलन को आहरी तीव्रतर करने निष्पत्ति नि। निष्पत्ति अनुसार सीएसआई ऑफिस को बंद कर विभिन्न थाना आसुवा मुदला मान कोर्ट फॉरवर्ड पर बारण कर। वकिल संघ सभापति संजय मिश्र अध्यक्षतार एक सभा अनुष्ठित होता। उक्त सभा में ऑल ओडिशा लॉयर्स एसोसिएशन सभापति ज्ञानरंजन महांति उपस्थित रही थे। आरक्षी अधीक्षक जिला वकिल संघ को देखा प्रतिश्रुति कार्य न कर सभा दृढ़ भाव निंदा करने संघर तीन दफा दाबी पूरण न होगा पर्यंत सीएसआई ऑफिस बंद करने ढेंकानाल कौन थाना पुलिस और मुदला कोर्ट परिसर को प्रवेश कराई देवे नहीं बोली एवं कोर्ट कार्य को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद करने कोर्टर मुख्य द्वार में आंदोलन करने को निष्पत्ति नियाजाई। उक्त बैठक में संपादक टंकधर बेहरा वरिष्ठ वकिल नवकिशोर गुरु जितेन्द्र पटनायक दुर्गा शतपथी सुभाषिनी महाकुड निर्मल मिश्र सुनील दास सुधांशु दळेई अम्लान फटुआ प्रमुख विजिलेंस जालरे भद्रक जिला सीडीपीओ कार्यालय सुपरवाइजर आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग सुपरवाइजर मणिलता दास करे विजिलेंस रेड करी एककालीन 4 स्थान में चली चढ़ाऊ। सूचना अनुसार भद्रक सीडीपीओ कार्यालय भद्रक सहर 8 छक स्थित बासभवन आंबलोरी स्थित गाँव समेत 4 स्थान में विजिलेंस टीम एककालीन चढ़ाऊ जारी रही। विजिलेंस 3 टीम चढ़ाऊ करने कागजपत्र जांच कर 2 बिल्डिंग और 3 कार जबत होइतिबार सूचना मिलिछि। विवादीय बयान दे अड़ुआ बीजेपी नेता नारायण राणे गिरफ होइपरंती। केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर को नहीं देइथिबा विवादीय बयान प्रसंगे बढ़ी पारे अड़ुआ। नासिक पुलिस टीम यह मामलें केस रुजु करी खूब शीघ्र गिरफ करिपारे। एथिलागि नासिक पुलिस एक टीम बाहरी जाइछि। सूचना जोगे जे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं बीजेपी नेता नारायण राणे विवादीय बयान देते जहाँपर राज्य राजनीति में हड़कंप सृष्टि हो जाइथिला। आज बीजेपी पार्टी ऑफिस रे शिवसेना कर्मी माने भंगारुजा करबा सह चारिडे नारायण राणे को विरोध में पोस्टर मारिथिले। एपटे मामला को नहीं नासिक पुलिस रे एक मामला रुजु करा जाइछि। नारायण राणे निज गिरफ्तारी को एड़ापी रत्नगिरी कोर्ट रे अग्रिम जमीन आवेदन करथिले तेबे ताहा खारज हो जाइछि। एही क्रम रे खूब शीघ्र नारायण राणे को गिरफ करि पारे नासिक पुलिस। एथिलागि नासिक पुलिस एक टीम नारायण राणे को गिरफ करबा पई बाहरी छंती। समग्र गजपति जिला पारलाखेमंडी सहर में बारंबार विद्युत काट प्रतिवादर युथ फर एक्शन तरफ टीपीएस ओडीएल कार्यनिर्वाही जंत्री कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कराइला। गत किछि मास होला पारलाखेमंडी सहर समेत समग्र गजपति जिले में बारंबार विद्युत काट कराउछि। तार प्रभाव में साधारण जनता जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ता बेले छोट बड़ व्यावसायिक प्रतिष्ठान गुड़िक व्यापक क्षति सहुछन्ति। लोकों दैनंदिन जीवन जीविका उपर बहुमात्रा प्रभाव पकाउछि बोले युथ फॉर एक्शन तरफ अभियोग कराइछि। विभागीय कर्तृपक्ष को एने एक दाबीपत्र प्रदान कराइथिला। जदि सेमानक दाबी गुड़िक टीपीएस ओडीएल कर्तृपक्ष पूरण न करंती ताहाले कार्यालय सम्मुखें गणधारणा करा जिबो बोले युथ फॉर एक्शन तरफ गणमाध्यम को सूचना प्रदान कराइछि। अफगानिस्तान रु हिंदू और सिख को बाहर करी भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया विमान लगातार भारत को आणुछंती। किंतु मंगलवार दिन सिख पवित्र ग्रंथगुरु ग्रंथ साहिब
3 କପି ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ନିଜେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ କପିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ। ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଓ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କପିକୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶିଖ ପରମ୍ପରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂତନ ଏସ୍ପି ଜୟରାମ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆର୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏସ୍ଟିପିଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆର୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ 4 ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 21 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 7 ମହିଳା ସମେତ 26 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇଛି। ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ହରିୟାଣାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଏସ୍ଟିପିଓ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ବା ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ $100 ବିଲିୟନରେ ଟପିଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, TCS, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 1755.60 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ କ୍ୟାପ୍ $100 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ସପ୍ତାଧିକ ଚାଷୀ ତଥା ବିଜେପି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଠାକୁର, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀ, ଓମ୍ ସିଂ ମାଝି, ଅଭିନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ସୁନୀଲ କୁମାର ନାଗ, ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ସପ୍ତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।